الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. बुजुर्गों और भाइयों, ये महीना शाबानुल मुअज्जम का महीना है और इसके बाद रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है। अल्लाह ताला ने इस महीने में अपनी ख़ास रहमतें रखी हैं और इसमें एक रात ऐसी है जिसको शबे बरात कहा जाता है। शाबान की 14 तारीख मुकम्मल होने के बाद जो रात आती है वो शबे बरात की रात है। आज शाबानुल मुअज्जम की 14 तारीख है और ग़ुरूब आफ्ताब के बाद यानी सूरज डूब जाने के बाद अरबी तारीख के हिसाब से 15वीं शब आ जाएगी यानी वो शबे बरात। शबे बरात का तर्जमा ये है निजात और छुटकारे की रात। किस चीज़ से निजात, किस चीज़ से छुटकारा मिलेगा? अल्लाह ताला ने इस रात को अपनी ख़ास रहमत व मग़फ़िरत की रात बनाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर इस रात से मुताल्लिक कुछ बातें हमें बयान हमारे लिए बयान फरमाई हैं। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15वीं रात में यानी शाबान की 15वीं रात में आप मेरे हुजरे में आराम फरमा रहे थे। यानी हुजूर ने जो बारियां मुतय्यन की थीं अपनी बीवियों के दरमियान, वो रात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा की बारी थी। फरमाया कि मेरे हुजरे में आप थे लेकिन रात के पिछले पहर में जब मैंने देखा तो बिस्तर खाली था, यानी नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं हैं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मुझे तशवीश हुई
मेरे जहन में तरह तरह की बातें आने लगी और मैं आपको तलाश करने के लिए निकल गई। तो तलाश करते करते मैंने आपको पाया कि आप मदीने मुनव्वरा के कब्रिस्तान, जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, जो मुसलमानों का कब्रिस्तान है, जिसमें सहाबे इकराम मदफून हैं, वहाँ मैंने आपको देखा कि आप कब्रिस्तान में हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब फरमा रहे हैं। हुजूर पाक अलैहि सलाम ने आयशा सिद्दीक़ा को देखकर पूछा, आयशा तुम यहाँ कहाँ से आ गई? तो उन्होंने सारी बात बयान की कि आपको तलाश करने के लिए निकली, तरह तरह के ख्यालात आने लगे, तो मैंने आपको तलाश करते करते यहाँ तक पहुँची। आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि आयशा, जानती हो ये कौन सी रात है? ये ऐसी बरकत वाली रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इस रात में बनू कल्ब के बकरियों के जिस्म पर जितने बाल होते हैं उससे ज़्यादा तादाद में अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अरब का एक कबीला था, कबीले बनू कल्ब, जो बकरियां पाला करता था। और आप भी जानते हैं कि अलग अलग नस्ल की बकरियां होती हैं और कुछ वो होती हैं जिनके बाल बड़े लंबे और घने और ज़्यादा होते हैं। तो बनू कल्ब में जो बकरियां पाली जाती थीं उनके जिस्म के बाल दूसरी बकरियों के मुकाबले में ज़्यादा होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया कि जिस तरह उनकी बकरियों के बाल बड़े घने अब बहुत होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इससे ज़्यादा तादाद में अपने गुनाह बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, उनके लिए जन्नत का फ़ैसला फरमाते हैं। इससे एक बात मालूम हो गई, वो ये कि अगर कोई आदमी इस रात में कब्रिस्तान जाए और अपने दुनिया से जाने वाले अजीज़ और रिश्तेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे तो इससे इसका सबूत मिल गया कि जा सकते हैं, जाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुतालिक फरमाया कि अल्लाह ताला सूरज डूबने के बाद, यानी आज जब मगरिब का वक्त होगा, ग़ुरूब आफ्ताब जिसे कहते हैं, सूरज डूबने के बाद अल्लाह आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं। आसमान दुनिया क्या है, ये सब बड़े नाजुक मसले हैं, लोग बयान करते हैं लेकिन इसकी हकीकत को समझना बड़ा अहम है। अल्लाह आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं, इसका मतलब आने का वो नहीं है जैसे हम और आप कहीं चले जाते हैं। एक आदमी बड़ी बिल्डिंग में हो दसवें माला पर और वो उतरकर पहले माला पर आ जाए, ये हमारा आना और ये हमारा ऊपर जाना, अल्लाह की ज़ात इससे बहुत बुलंद है, अल्लाह के लिए आना जाना नहीं है।
ये बहुत अहम और अकीदे की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हदीस में फरमाया गया कि अल्लाह आसमान दुनिया पर, और आसमान दुनिया का मतलब ये है कि जो आसमान जो हमें नज़र आता है ये दुनिया का पहला आसमान है, हम इसी को देखते हैं। अल्लाह तशरीफ़ लाते हैं आसमान दुनिया पर, तो यहाँ अल्लाह के आने का मतलब अल्लाह की ख़ास तवज्जो है, यानी अल्लाह अपने बंदों से बड़े करीब हो जाते हैं, ये मतलब है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये नहीं है कि अल्लाह चंद घंटे के लिए इस आसमान पे आ गए और उसके बाद ऊपर अर्श पे चले जाएंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा है ही नहीं। इसलिए इस हकीकत को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तशरीफ़ लाते हैं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह की रहमत खासा मुतवज्जे होती है, अल्लाह अपने बंदों से बहुत करीब हो जाते हैं। जैसे हदीस शरीफ में फरमाया गया कि अस्सजदतु बैना इस्बाइर रहमान, जब बंदा सजदा में जाता है यानी नमाज में जब हम सजदा करते हैं तो ये सजदा अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान होते हैं। यह हदीस है, अस्सजदतु बैना इस्बाइर रहमान, सजदा रहमान की दो उंगलियों के दरमियान। अब अगर कोई जाहिल नावाकिफ़ ये समझ ले कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह मेरे पास आ गए और अल्लाह ने उंगली फैलाई और हमने उसी में सजदा किया, ये गलत अकीदा है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी मतलब ये है कि जब बंदा सजदे में जाता है तो अपने अल्लाह से रूहानी एतबार से बहुत करीब हो जाता है, अल्लाह की ख़ास रहमत उस सजदा करने वाले और नमाज पढ़ने वाले बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। तो इसी तरह से जो फरमाया गया कि अल्लाह पाक इस रात में आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं, तो ये इससे अल्लाह का क़ुर्ब और अल्लाह की ख़ास रहमत और तवज्जो मुराद है। ये नहीं है कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह उतर के चले जाते हैं, अल्लाह तो हर वक्त हर जगह है। उसकी शान ये है कि वो पत्तों में भी है, वो फूलों में भी है, वो दरियाओं में भी है, वो पहाड़ों पर भी है, वो मस्जिद में भी है, वो बाजार में भी है, वो दिन में भी है, वो रात में भी है, वो तन्हाई में भी है, वो जलवत में भी है, अल्लाह हर जगह है, हर आन है। बहरहाल ये एक नाजुक मसला था जिसको मैंने बड़े आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की कि अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ उस रात में ख़ास तौर से मुतवज्जे होती है, ये मतलब है। और फिर उसके बाद हदीस में फरमाया गया कि अल्लाह ताला एक फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं और फरमाते हैं कि तुम ऐलान करो। फरिश्ता पूछता है क्या ऐलान करना है, किस चीज़ का ऐलान किया जाए। अल्लाह फरमाते हैं कहो अला मिन मुस्तग़फिरिन फ़ाग़फिर। कौन बंदा ऐसा है जो इस वक्त आज की रात में मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और हम उसे माफ़ कर दें। एक ऐलान ये होता, एक ऐलान होता है अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अर्ज़ुक़हु। जो आदमी जिसका कारोबार नहीं चलता, जो मुसीबत और तंगी में, माल की परेशानी में, मोहताजगी में गिरफ्तार है, अल्लाह ऐलान करते हैं फरिश्तों के ज़रिए से कि कौन ऐसा बंदा है जो आज की रात मुझसे रोज़ी मांगे ताकि हम उसको रोज़ी दे दें।
यानी रिस्क देने का ऐलान और उसके रिस्क का ऐलान और रिस्क देने का वादा किया जाता है। एक ऐलान होता है अला मिम मुबतलिन फाफीही, बीमार मफलूज माजूर मुसीबत में गिरफ्तार मर्ज में मुब्तला, दवाएं कहाँ करता है काम नहीं आती, अल्लाह की तरफ से यह ऐलान होता है कि मेरा कौन बंदा ऐसा है जो किसी भी तरह की मुसीबत परेशानी में मुब्तला है और वो मुझसे इस मुसीबत से छुटकारे की दुआ मांगता है, फाफी ही ताकि हम उसको आफियत अता कर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला कज़ा हत्ता यतलअल फज्र, यानी इस रात में बंदे की एक एक ज़रूरतों का नाम लिया जाता और ऐलान किया जाता है, कब तक, सुबह सादिक तक, हत्ता यतलअल फज्र, यहाँ तक के सुबह सादिक हो जाती है। सुबह सादिक से मुराद फजर नहीं बल्कि वो वक्त जो ख़त्म सहरी का वक्त होता है। वो एक तो है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं पौने छः छः बजे, ये मुराद नहीं, यानी सुबह सादिक जो ख़त्म सहरी का वक्त होता है, जो इंतहाई कबूलियत का वक्त होता है, उतने वक्त तक सूरज डूबने से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह की तरफ से इस तरह के ऐलानात होते रहते हैं। ये भी हदीस में फरमाया गया। इसी तरह से पहले हदीस सुनिए सब और फिर उसके बाद मैं उसका नतीजा आखिर में बयान करूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आज की रात अल्लाह ताला एक साल के लिए अपने बंदों की तकदीर के फैसले फरमाते हैं। यह हदीस है, एक साल में बंदों के लिए जो कुछ दुनिया में होना है अल्लाह उसका फैसला फरमाते हैं। यानी इस साल में 1443 से लेकर अगले तक शाबान तक कितने इंसान दुनिया में पैदा होंगे अल्लाह उसके फैसले फरमाते हैं, कितने लोग मरेंगे अल्लाह उसे फैसला फरमाते हैं, कितने लोग बीमार होंगे वो भी फैसला, किसको कारोबार में नफ़ा होगा नुकसान होगा वो भी फैसला, इंसान अच्छा बनेगा बुरा होगा यानी सईद होगा कि शकी होगा, नेक होगा कि बुरा होगा अल्लाह फैसले फरमाते हैं। यह हदीस है। यहाँ भी एक बहुत नाजुक मसला है जिसकी तरफ मैं आपको इशारा करके समझा सकता हूँ और कोशिश करूँगा। देखो यह हदीस है कि अल्लाह एक साल के लिए बंदों की तकदीर के फैसले फरमाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पहले की बात खुदा को नहीं मालूम है या इसके पहले बंदों की तकदीर नहीं थी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं। इंसान तो दुनिया में जब आया उसके बहुत पहले अल्लाह ने सब तय फरमा दिया, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। अहले सुन्नत वल जमात जिसे हम कहते हैं उनके कुछ बुनियादी अकीदे हैं, जिन अकीदे में एक बुनियादी अकीदा यह है कि अल्लाह का इल्म अजली भी है अबदी भी है, यानी जमीअ मा कानु मा यकून, जो हो चुका और क़यामत तक जो होने वाला है, मा यकून, सबका इल्म अल्लाह का है।
अल्लाह के इल्म में से कोई चीज़ बाहर नहीं। हमारा मामला यह है कि हम सामने की चीज़ जानते हैं, पीछे की नहीं जानते, अभी की जानते हैं, बाद की नहीं जानते, आज की जानते हैं, कल की नहीं जानते। ये तो बंदों का मामला है, अल्लाह के लिए ये नहीं है। अल्लाह को सब पहले से पता है, वो लम यजल वला यजाल है, उसका इल्म अजली और अबदी है। तो फिर अब यहाँ ये समझो हदीस को कि अल्लाह ताला अपने बंदों के एक साल की तकदीर मुतय्यन फरमाते हैं। और तकदीर क्या है वो मैंने बता दिया कि इस एक साल में क्या हालात आएंगे इंसानों पर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन अल्लाह ने हर खिदमत के लिए, हर काम की ड्यूटी के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगा रखी। जैसे इंसान होता है किस किस, कोई रेलवे के डिपार्टमेंट से होता है, कोई होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से मुताल्लिक है, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री से मुताल्लिक है, कोई सेक्रेटरीट के दर्जे का है, कोई किसी दर्जे का है। तो इंसान सब हैं लेकिन काम बटा हुआ है। एक डिपार्ट वाला दूसरे डिपार्ट को नहीं जानता। अगर रेलवे के डिपार्ट के आदमी से पूछो कि होम मिनिस्ट्री में क्या है, वो कहेगा मुझे कुछ पता नहीं। होम मिनिस्ट्री वाले से पूछो कि फॉरेन मिनिस्ट्री की पॉलिसी क्या है, उन्होंने क्या बताया, कुछ पता नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को काम दे रखा है, मुतय्यन किया है उनकी ड्यूटियाँ, उनके डिपार्ट मुतय्यन है। तो जब ये समझ गए तो अब ये समझो कि अल्लाह की तरफ से जिन फरिश्तों की ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो अल्लाह के हुक्म से बंदों के लिए फैसले को जाहिर फरमाते हैं, तो एक साल के फैसले और तकदीर का मतलब ये है कि वो एक साल में क्या होने वाला है उसका पूरा बायोडाटा अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हवाले कर दे रहे हैं। ये मतलब है इसका, वरना सब कुछ लिखा हुआ है, सब मुकद्दरात पहले से तय हैं। फी लवह महफूज, लवह महफूज में सब कुछ है। ये बड़ा इल्मी मसला आ गया, लवह महफूज में सब कुछ है। लवह महफूज अल्लाह के इल्म में है, उसी के हुक्म से हुआ। आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब मेराज में गया और अल्लाह से बहुत करीब हुआ तो अस्मऊ शरीफल अकलामी, आका फरमाते हैं कि मैंने कलम चलने की आवाज़ें सुनी कि कलम चल रही है। अस्मऊ शरीफल अकलाम, वो कलम क्या है, वही अल्लाह ताला अपने इल्म के मुताबिक जो फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उनकी तकदीर के लिए अल्लाह उसे लिखवाता है। लिखो जैद ऐसा, बकर ऐसा, अब्दुर्रहमान ये, खालिद ये, अल्लाह ताला उनकी तकदीरात को फरिश्तों के हवाले करते हैं। अब फरिश्तों के सामने उनका पूरा चार्ट, पूरे साल का बायोडाटा आता है। ये मतलब है इस हदीस का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल आज की रात में अपने बंदों के एक साल की तकदीर के फैसले फरमाते हैं, यानी फरिश्तों के हवाले होता है, वरना पहले से सब कुछ तय है, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। ये भी हदीस में फरमाया गया। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये मज़मून बहुत अहम है जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ऐसे तमाम बंदों की आज की रात में मगफरत फरमाते हैं चंद को छोड़कर। कुछ ऐसे बदबخت हैं जिनके लिए अल्लाह की रहमत व मगफरत का दरवाज़ा बंद है। वो कौन लोग हैं, फरमाया माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, वो अल्लाह के सामने तौबा के लिए हाथ उठाता है कि अल्लाह आज की रात मुझे माफ़ कर दो,
तस्बीह पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, नफल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह से रोता है। अल्लाह कहता है कि पहले जा अपने बाप का दिल खुश कर, उनसे माफ़ी मांग कर आ, तब मेरे पास आ, तब मैं माफ़ करूँ। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि माँ बाप की नाफरमान औलाद के लिए अल्लाह की मग़फ़रत का दरवाज़ा आज की रात बंद है। अंदाज़ा लगाओ आज हम लोग इस गुनाह के अंदर कितना ज़्यादा मुब्तला है। माँ बाप की कोई अहमियत ही नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं, उनके हुक्म को पाँव के नीचे रखा जाता है, उनकी खुशी की कोई फिक्र नहीं, उनको क्या ज़रूरत है, क्या तकाजे हैं, बूढ़े हो गए, माजूर हो गए, वो इंतज़ार में है कि बेटा है तो मेरी खिदमत करे, अब बेटा है कि रात में दोस्तों के पास से आता है और अपने बेडरूम में चला जाता है, बाप रात भर इंतज़ार करता है। मैं बहुत मुख्तसर में इशारे में समझा रहा हूँ, ये हालात हैं। बाप मुंतज़िर है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरे पास बैठेगा, कुछ बातें करेगा, मेरा दिल खुश होगा, लेकिन बेटा रात को एक बजे आया, दोस्तों की मजलिस से घूम फिर कर अपने बेडरूम में गया, दरवाज़ा बंद, अब सुबह 10 बजे तक सोया रहेगा। बाप के दिल पर क्या गुजरती है, बाप तो रात भर जगता रहता है। अल्लाह का नबी फरमाता है कि माँ बाप के दिल को दुखाने वाले की आज के रात मग़फ़रत नहीं होती। जितना रो, जितनी इबादत कर लो, अल्लाह कहेगा कि जा पहले अपने बाप से माफ़ी मांग, अपने माँ का दिल दुखाया है उनको खुश कर, उन्हें खुश करके आएगा तो बाप की खुशी में मेरी खुशी, माँ की खुशी में मेरी खुशी। अल्लाह ही फरमा। इसी तरह से शराब, नशे की आदि, शराब पीने वाला, नशा करने वाला, भांग अफीम खाने वाला, जो शरीयत में हराम है, नाजायज़ है, एक कतरा भी हराम है, जो शराब का आदी होता है, अल्लाह फरमाते हैं कि ना, तेरे लिए मग़फ़रत का दरवाज़ा बंद, पहले तू अपने गुनाह से तौबा कर, ऐ अल्लाह अब मैं इस नशे की तरफ जाऊंगा नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं अपनी इस गलत आदत को छोड़ रहा हूँ। ऐ अल्लाह मैंने आपसे वादा किया, अब तो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहता है चला जा, आ अब तेरे लिए मग़फ़रत, शराब पीने वाले की मग़फ़रत नहीं होती। तीसरे जिसमें हम आप और उम्मत का बहुत बड़ा तबका मुब्तला है, दिल में कीना रखने वाला, जलन हसद रखने वाला, आपस में रिश्तेदारियों में बिगाड़ बनाने वाला, गौर से सुनो, बिगाड़ करने वाला, कता रहमी जिसे कहते हैं, बाप से बिगाड़, भाई से बिगाड़, पड़ोसी से बिगाड़, क्या भाई उन्होंने फला टाइम मुझे ये कर दिया था, ये कह दिया था, हमने उनसे बोलना छोड़ दिया, भाई से, माँ से, हैरत की बात है कि नहीं, ऐसे भी लोग हैं कि माँ से भी औलाद की बोलचाल बंद है। मैं जानता हूँ, क्या कर रहे हो, जहन्नम में जा रहे हो, माँ का दिल दुखाकर, बाप से नाराज, बाप से नहीं बोलते, भाई से बिगाड़, पड़ोसी से बिगाड़। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग इस तरह का कीना और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले हैं, अल्लाह कहता है कि तेरे लिए मग़फ़रत के दरवाज़ा बंद, पहले जा दिल जोड़ करके आ, मेल करके आ, जिससे तूने बोल चाल बंद रख कर रखी है उन्हें जाओ सलाम करो, सलाम करके अपने दिल का मैल साफ करो, फिर आ मेरे पास, हम तो मुंतज़िर हैं कि तुझे माफ़ कर दें, लेकिन ये तेरी गुनाह का पर्दा है, ये तेरी गुनाह का आड़ है जो तेरी तौबा को मेरे पास आने से रोक रही है। इस पर्दे को गिरा के आ, इस दीवार को गिरा के आ, पर्दे को हटा करके आ, आ देख मैं तुझे कैसे माफ़ करता हूँ।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रिश्ता तोड़ने वाला, पता ताल्लुक करने वाला, दिलों में कीना हसद जलन रखने वाला, तकब्बुर करने वाला, अकड़ने वाला अल्लाह की रहमत से इस रात में महरूम। हदीस में फरमाया गया इसी तरह से वह लोग जो जानकर अपने को बड़ा जाहिर करने के लिए अपने पैजामे को, अपने तहबन को, अपनी पैंट को टखनों के नीचे लटका के पहनते हैं जानबूझकर, और ऊँची करने में अपनी तौहीन और ये समझ अपने को छोटा समझते हैं, अल्लाह कहेगा कि ना तेरे लिए भी मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद, पहले जा मेरे हबीब की जो सुन्नत थी उस सुन्नत पर चल करके आ, और जो गुनाह तूने पीछे कर दिया उससे सच्ची तौबा करके आ, तब हम तेरी तरफ अपनी रहमत को, अपनी मग़फ़िरत को मुतवज्जे करेंगे। मेरे भाइयों, तकरीर तो घंटों की जा सकती है, वक्त पूरा हो गया। ये चंद हदीसें और उसका खुलासा मैंने तुम्हारे सामने बयान किया। दिल कांप जाने चाहिए अगर हम आप या आप में से कोई इस गुनाह के अंदर मुब्तला है जिसको मैंने बयान किया, तो आज तौबा करो, दिल को साफ करो, अपने दिल में तवाज़ो पैदा करो, फिर सूरज डूबने के बाद रात में अल्लाह के सामने आकर आंसू बहाओ, देखो अल्लाह की रहमत किस तरह से मुतवज्जे हो जाती है। लेकिन हम अपनी आदत छोड़ने वाले नहीं, हमारी ज़िद है, हम ज़िद छोड़ने वाले नहीं। हम क्यों जाएं, हम क्यों झुकें, हम क्यों दबें, वो क्यों नहीं आता, बस इसी में हम महरूम रह जाते हैं। शबे बरात की बरकत से भी महरूम, शबे कदर की बरकत से भी महरूम। ये शबे कदर आगे आने वाली, उसके भी उसका भी यही मजमून है कि अल्लाह ताला शबे कदर में भी ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, अमल की दुनिया में आओ, अपनी अकड़पन, अपनी बड़ाई, अपना गुरूर छोड़ो, तवाज़ो इख्तियार करो, अल्लाह को यही बहुत पसंद है। अब मैं आखिरी बात, हमारे यहाँ एक रिवाज है, मैं रिवाज कहता हूँ उसे, कि कुछ लोग मगरिब के बाद, कुछ लोग इशा के बाद, कुछ लोग पिछली पहर रात में कब्रिस्तान जाते हैं ईसाले सवाब के लिए। कोई हरज की बात नहीं, जाना चाहिए। मैंने आपको हदीस सुनाई शुरू की जब मजमा कम था, कि आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन इसकी हैसियत सिर्फ फजीलत की है। देखो दीन इसी का नाम है कि दीन में जो जिस चीज़ का जो दर्जा है उस दर्जे से घटाओ भी मत और उस दर्जे से बढ़ाओ भी मत। अब वाजिब को आपने सुन्नत जान लिया, ये भी दीन की तौहीन है, और जो मुस्तहब और अफजल था उसे वाजिब बना लिया, ये भी दीन की तौहीन है। शरीयत में जिस चीज़ का जो दर्जा और हैसियत है उस हैसियत और दर्जे पर रखना, यही कामिल दीन है। तो कब्रिस्तान जाना मुस्तहब अमल है, जायज़ है, और हुजूर ने हुक्म भी दिया है कब्रिस्तान जाया करो, लेकिन शबे बरात पर नहीं। आपने ये नहीं फरमाया कि शबे बरात पे चले जाया करो भीड़ लगा कर, आपने ये नहीं फरमाया कि जब ईद की नमाज़ पढ़ो तो भीड़ लगा कर कब्रिस्तान को भर दो जाकर, ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया कब्रिस्तान जाने की आदत डालो, जाया करो। अला फजरूहा, कब्रिस्तान जाया करो, हफ्ते में एक बार, दो बार, दस दिन में एक बार, महीने में एक बार,
यानी कि मामूल बनाओ कि हम थोड़ा वक्त निकालेंगे अपने बाप दादा के लिए जो जहाँ आराम कर रहे हैं, अपने घर में रहते हैं, चलो हम अपने बाप का घर देखाएं, अपने दादा का घर देखाएं, अपनी माँ का घर देखाएं, जो गोरे गरीबा में और शहर खमोशा में शिकस्ता कब्रों के अंदर मौजूद हैं, क्या है उनके साथ, कोई नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, चलो हम वहाँ तो चले थोड़ी देर के लिए, ताकि हम अपनी मौत भी याद कर लें, हमें हमारे अंदर भी फिक्र आखिरत पैदा हो जाए, हमें भी अपना मरना याद आ जाए, ज़मीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, कहाँ की सल्तनत, कहाँ की नवाबी, कहाँ की अभी अमीरी, सब देख लो, एक सप में सोए हैं, एक ही सप में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंद रहा न कोई बंद नवाज, देखो ये बादशाह की खबर है और ये सड़क पर मांगने वाले फ़कीर की खबर है, दोनों एक तरह से सो रहे हैं। बड़ी इबरत की जगह है कब्रस्तान, ये सोच कर जाओ कि हम ये मंज़र देखें और फिर हमें भी इसी मिट्टी में आ जाना है, हम भी इसी तरह रखेंगे, आज हम इतना अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि कलब भी ना टूटे, शिकन भी ना पड़े, एसी में रहते हैं, अब ज़रा सी गर्मी आई अब लोग पसीना पोछना शुरू कर दिए, अभी से पेशानी मैं देख रहा हूँ तो कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं अभी से, सोचो ज़रा कब्र की कैफियत क्या होगी, अपने अंदर बर्दाश्त की ताकत डालो, ये क्या कि बार बार सर उठा के कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, एसी की तरफ देखना कि कब चलेगी, मुतवल्ली साहब इजाज़त कब देंगे, कब्रिस्तान जाओगे ये सारा गुरूर ख़त्म हो जाएगा, वही काली कोठरी, वही मिट्टी का बिस्तर, वही कच्चा तख्ता जो टूट सक सड़ कर तुम कहाँ गिरा होगा कहाँ गया होगा कुछ पता नहीं, जिस्म के रेजे रेजे बिखर गए होंगे, कुछ हड्डियों का ढांचा होगा, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा, आ गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कब्रस्तान जाया करो, एक दिन साल में, दो दिन साल में, मजमा और मेला की शक्ल में नहीं, तन्हाई में जाया करो, सन्नाटे में जाया करो, को मामूल बनाओ, आका का मामूल था, नबी कब्रस्तान में जाते थे, जब जी चाहा चले आए, जब अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ कब्रिस्तान चले गए, आपको अपनी माँ याद आती है, अपने बाप याद आते हैं, अपने ख़ानदान के बड़े, मैं बहुत दिल से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं ज़ुबान से नहीं, मैं दिल से इस वक्त कह रहा हूँ, माँ याद आ गई, बाप याद आ गए, दादा याद आ गए, आप अपने ख़ानदान के बड़े बूढ़ों को याद करते हैं, तो याद आ गई तो चले जाओ उनके पास, कभी वहाँ खड़े होकर कुछ कुरान पढ़कर, कुछ दुआएं पढ़कर के ज़रा उनको सवाब तो पहुँचा दो कि याद आई कि हमारे बाप थे तो ऐसा था, माँ थी तो घर ऐसा था, दादा थे तो ऐसे थे, ऐसी याद से क्या फ़ायदा कि उनके लिए तुम दो अच्छे कलमे पढ़ करके उनके रूह को तरक्की नहीं दे सकते, यह है कब्रिस्तान का मकसद, आप जाइए, मना नहीं किया जाता, लेकिन ये सोच लेकर जाओ, ये जज्बा लेकर जाओ, ये जहन लेकर के जाओ कि यही वो कब्र है जहां हमने अपने हाथ से अपनी जवान औलाद के ऊपर मिट्टी डाली है, दिल खून के आंसू रो देगा अगर वो मंजर याद करो, मेरे नबी ने यही फरमाया कि इस सोच को लेकर जाओ, इस जहन को लेकर जाओ, कितने जवान, कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने कितनों को अपने हाथ से हमने दफन किया, जाके देखो उनसे पूछो कैसे हो, क्या हाल है, क्या बीत रही है, कोई आवाज़ नहीं आएगी, दिल बात करेगा, दिल से दिल जवाब देगा, मैं क्या क्या आपसे कहूँ, कैसे कहूँ, बहरहाल अल्लाह ताला इस रात की रहमत और बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए, और आने वाला जो मुबारक रमज़ान का महीना है अल्लाह पूरी पूरी रहमतों से हमें नवाज दे, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।